हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है तो उसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सबसे पहले तो जो जितने भी आप लोगों के धात्विक मिनरल हैं, जैसे कि आयरन हो गया धातु, ठीक, कॉपर, ठीक, इसी प्रकार से मैग्नीज, बहुत सारे हैं, तो उन सभी का क्या लिखना है आप लोगों को? मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि खनिज के गुण लिखना है और उसका वितरण लिखना है भारत में, ठीक, और उसका मैप में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे लिखना है उसका, जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों का कि राइट द मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट द मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, ठीक, एंड राइट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में ही सब जितने भी करेंगे प्रैक्टिकल्स वो करेंगे। उसका हिंदी में क्या हो जाएगा आप लोगों का कि आयरन खनिज का, खनिज के गुण लिखते हुए उसका भारतवर्ष में वितरण लिखिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें आप लोगों को बनाना कैसे है, सबसे पहले तो जो आयरन ओर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि जो आयरन ओर है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आयरन ओर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आयरन है इससे हमारा जो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इसका अहम भूमिका है। जैसे कि आप लोगों को बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग जितने भी बनाने रहते हैं उसमें आयरन का यूज़ मोस्टली होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आप लोगों का भी, यही आयरन से हम लोग का क्या बनता है, स्टील बनता है, जो कि आयरन से भी ज़्यादा मजबूत होता है और जिसमें कि जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आयरन के बारे में। तो इतना बताना है आप लोगों को आयरन के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आप लोगों का सेकंड नंबर आता है, इसका मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टी बताना है। ठीक, तो मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है आप लोगों का, मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आता है उसके खनिज के गुण, जैसे कि उसका रंग, उसमें उसका रासायनिक संगठन, ठीक। उसके बाद में जो हमारा आयरन, तो उसका अयस्क मिनरल कौन कौन से है, और मिनरल कौन कौन से हैं, किससे हम लोग का आयरन निकाला जा सकता है, उनमें कितना कितना परसेंटेज आयरन की मात्रा होती है, तो ये सब आते होंगे कि इसमें मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक। तो ये मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में लिख दीजिए यहाँ और मिनरल्स, जिससे हमारा आयरन निकलेगा। के बाद में इसका फॉर्मूला या तो फिर केमिकल फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोग का, परसेंटेज, आयरन परसेंटेज, ठीक। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किससे किसमें से आप लोगों का कौन कौन सा अयस्क जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आयरन की बात कर लें तो आयरन का जो अयस्क मिनरल कौन कौन सा हम लोग का है, मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, गोइठाइट, सिडेराइट, पायराइट, ये सब हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में लिखना है आप लोग को, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, हेमेटाइट के बाद आता है लिमोनाइट, ठीक है, और आता है गोइठाइट, और भी आते हैं सिडेराइट, ठीक, और भी आते हैं, तो इतने काफ़ी हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए जानना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये याद रहने चाहिए, ठीक है। तो अब उसका फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे कि मैग्नेटाइट का होता है हम लोग का Fe3O4, ठीक है, और हेमेटाइट का होता है Fe2O3, लिमोनाइट का होता है Fe2O3 3H2O, इसी प्रकार से आप लोगों का गोएथाइट का भी होता है Fe2O3H2O, ठीक, और उसके बाद में आप लोगों का सीडे राइट का होता है क्या,
FeCO3, और पायराइट का होता आप लोग का FeS2। ठीक, तो अब इसके बाद में इनका परसेंटेज लिख दीजिए कि कितना कितना परसेंट आप लोगों का आयरन का कंटेंट इसमें परसेंटेज रहता है। जैसे मैग्नेटाइट में हम लोगों का जो आयरन का परसेंटेज रहता है वो लगभग 72% रहता है। ठीक, और उसके बाद में जो हमारा हेमेटाइट है इसमें हम लोगों का आयरन का परसेंट 70% रहता है। उसके बाद में जो हम लोग का लिमोनाइट है इसमें लगभग 59% रहते हैं। ठीक है, और गोएथाइट में हम लोगों का लगभग 62% मिलता है। और उसके बाद में आ जाता है हम लोग का सीडेराइट में, तो सीडेराइट में हमारा जो आयरन का परसेंटेज रहता है लगभग 47 या 48% लगभग रहता है। और जो हमारा पायराइट है तो इसमें हम लोगों का 46% है। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये है हम लोगों के क्या उसके अयस्क मिनरल। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो, जैसे कि आप लोगों का कहीं माइंस में निकाला जा रहा है। ठीक, जैसे आप लोगों का हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट से हम लोग का मुख्य रूप में और आयरन आयस्क के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि हेमेटाइट में हम लोगों का 70% क्या रहता है, आयरन का परसेंटेज रहता है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों को ये इतने सब चीज़ और मिनरल दे दिए जाते, ठीक, तो अगर आप लोगों को बोला जाता कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आयरन प्रोडक्शन करके दो, तो आप लोग किस में जाते? सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट को प्रीफर करते। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइट में आयरन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करते, जो मैग्नेटाइट है तो उससे आप लोग क्या करते, आयरन निकालने का ज़्यादा आप लोग कोशिश करते। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का ये एक जनरल आइडिया देता है कि कौन सा जो अयस्क है हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, किस लिए, आयरन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का ये जो अयस्क मिनरल है इनको विथ परसेंटेज हम लोगों को, जैसे इसका केमिकल फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो अयस्क मिनरल का नाम है और ये जो इसका परसेंटेज है ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक। तो अब इसके बाद में क्या लिखना है, हम लोगों को क्या बताना है कि जो हमारा ये जो इतने मिनरल हो गए, अब इसके बारे में तो ये हो गया हम लोगों का क्या मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, तो इसके बारे में और भी कुछ कुछ नया चीज़ जैसे बताना है तो मैग्नेटाइट कौन से रॉक में मिलता है, किसके एसोसिएट में मिलता है, ये सब भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का इतना आप लोगों की प्रैक्टिकल के पर्पज से इतना सफिशियंट रहेगा कि आप लोग इंट्रोडक्शन दो, फिर मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में इतना आएगा। अब उसके बाद में इसमें हम लोग थोड़ा सा नया चीज़ जोड़ देंगे। इसके बाद का क्या नया चीज़ जोड़ेंगे,